वेरिएशन ऑफ डेंसिटी विद टेम्परेचर. देखो ये एनसीईआरटी लिख सकते हो फॉर एनसीईआरटी कि टेम्परेचर के साथ डेंसिटी कैसे चेंज होती है, टेम्परेचर के साथ लेंथ कैसे चेंज होती है, सरफेस एरिया कैसे चेंज होता है, वॉल्यूम कैसे चेंज होता है और डेंसिटी कैसे चेंज होती है. इंपॉर्टेंट है, ये न्यूमेरिकल में भी काम आती है. तो जब भी टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज, मास तो चेंज होता नहीं, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज. क्यों? क्योंकि जो डेंसिटी है वो क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम. मास तो चेंज होता नहीं, तो अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो डेंसिटी डिक्रीज. ठीक. अब मान लेते हैं वॉल्यूम पहले वी था, मैंने टेम्परेचर चेंज किया तो वी डैश इज वी इंटू वन प्लस गामा इंटू डेल्टा टी, तो नया वॉल्यूम आ गया. पर हमने तो डेंसिटी का रेशियो निकालना है. डेंसिटी वॉल्यूम क्या होता है, मास बाय डेंसिटी, मास बाय डेंसिटी. ये पुराना वॉल्यूम तो पुरानी डेंसिटी, नया वॉल्यूम तो नई डेंसिटी, मास से मास कैंसल. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके रो डैश का फॉर्मूला आ गया. एक तो ये फॉर्मूला नोट कर लो, कई बार काफ़ी बुक्स ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करती हैं, रो डैश इज इक्वल टू रो वन प्लस गामा इंटू डेल्टा टी. और अगर ये न्यूमिनेटर में ले जाएं, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, रेज टू पावर माइनस वन, तो बाइनोमियल लगती हैं इन इन क्वेश्चन में, क्योंकि गामा बहुत छोटा होता है. तो माइनस वन को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फॉर्मूला भी कई बुक्स यूज करती हैं. तो डेंसिटी का फॉर्मूला या तो ये यूज करती हुई दिखेंगी या ये यूज करती हुई दिखेंगी, दोनों में से कोई भी यूज हो जाएगा. तो डेंसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है. जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डेंसिटी डिक्रीज होगी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर.